खबर आ रही है खुर्जा से, जहां स्वीप कार्यक्रम के तहत बालिका महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह पहुंचे और मतदान के प्रति छात्राओं को जागरूक करते हुए 100% मतदान करने का अनुरोध किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सांस्कृतिक और योग कार्यक्रम प्रदर्शित करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। एक स्कूल में आए, क्या प्रोग्राम था, किस तरह के जो इसको जो छात्र हैं उसके लिए, उन जो आने वाला 2024 का चुनाव है उसके लिए क्या हुआ? देखिए, आर्यकन्या पीजी कॉलेज है ये खुर्जा का। खुर्जा हमारा ऐतिहासिक शहर है और आज हम लोगों ने यहाँ स्वीप कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम रखा था। बच्चियों का महाविद्यालय है। अनुरोध यहाँ सभी से यही है कि जो बच्चियाँ हैं उनका जैसे ही वो 18 साल की हों उनका वोट बने। बच्चियाँ वोट बनवाने में पीछे रह जाती हैं। इसके अलावा जो अभी अप्रैल और मई में चुनाव होंगे उसमें लोग बहुत ही नैतिक मतदान करें, हर मतदाता अपना 100% मतदान करें। मैंने आज विद्यालय के सभी अध्यापकों से और छात्राओं से अनुरोध किया है कि वो अपने मोहल्ले का सर, आपका बहुत जितने बहुत भी आपने अपने समय में महिला मतदाता हैं 100% मतदान कराएं। ये के पीजी कॉलेज में पिंक बूथ भी बनता है, तो उद्देश्य यही है कि मतदाता जागरूकता हो और सभी जितने भी मतदाता हैं हमारे वो अपने मताधिकार का नैतिक मतदान करें और 100% मतदान करें और एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की नींव डालें। वर्ल्ड इन टेनिस सानिया मिर्जा, आईपीएस ऑफिसर रही, अपने अंदर हमेशा जीने, लोगों के प्रति जीने का और उनके प्रति उत्साह पालने की साहस रखा है। बेटी को समझदार और बेटे जोरदार तालियां इनके लिए तो जरूर होनी चाहिए। कठिन परिश्रम से